तो चलिए गाइस, हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं कीर्ति मेहरा के बारे में। तो जैसा कि गाइस आप लोगों को पता होगा कि कीर्ति मेहरा को काफी सारे लोग बोलते रहते हैं कि यहाँ पर कीर्ति मेहरा जो है वो सिर्फ एलविस यादव का सिंपैथी गेन करती है, और अभी के टाइम में तो गाइस इनके हेटर्स भी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। सभी लोग गाइस इनको काफी ज्यादा ट्रोल वगैरह भी कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर गाइस कीर्ति मेहरा की स्टोरी में किसी ने कॉमेंट करके बोले कि अब कितनी सिंपैथी लोगी यार, जिसका कि गाइस रिप्लाई कीर्ति मेहरा ने खुद अपने स्टोरी में किया है। क्या बोले आप लोग इस वीडियो क्लिप में देखिए। पहली बात मैंने मांगी नहीं, दूसरी बात अगर तुम्हें लग रहा है मैंने मांगी है तो मत दो यार। ऑल्सो यही पर गाइस कीर्ति मेहरा ने अपने सभी हेटर्स को भी काफी ज्यादा सेवेज तरीके से रिप्लाई किए। क्या बोले आप लोग इस वीडियो क्लिप में देखिए। एग्जैक्टली गाइस, मतलब गुड जॉब गाइस, गुड जॉब। मैं जितनों को भी जो भी हैं, गुड जॉब। अपनी जॉब में अपना 100% देना इज वेरी मस्ट गुड। तो फिलहाल गाइस आप लोग यहाँ पर कीर्ति मेहरा को लेकर और भी क्या कुछ कहना चाहोगे आप लोग हमें इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो चलिए गाइस हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, और गाइस हम बात करते हैं एलविस यादव के बारे में। तो आप लोगों को गाइस पता होगा कि फुकरा इंसान ने अपने रिसेंट वाले Q&A वीडियो में उन्होंने बोले थे कि रोडिस गैंग के लिए मुझे भी ऑफर मिला था, लेकिन अभी गाइस जो रोडिस का प्रोडक्शन है यानी कि गाइस पराग भाई, उन्होंने गाइस रिवील करके बताया कि फुकरा इंसान को कोई भी ऑफर वगैरह नहीं दिया गया, तो फुकरा इंसान को रोडिस में बिल्कुल भी नहीं बुलाया गया था। अब उसके बाद गाइस जो फुकरा इंसान का ऑडियंस है वो गाइस पराग भाई को काफी ज्यादा देने लग गए, जिसके बारे में गाइस एलविस ने अपने आज वाले ब्लॉग वीडियो में भी बात की है। क्या बोले आप लोग इस वीडियो क्लिप में, सबसे पहले देखिए। क्या करा पराग जी, आपने सुर्खियों में आ गया। मैंने एक सच्चाई बोला था जिसमें सच सा एक लाइन सच सा, और नीचे का जो नाम लिया था वो आर्टिस्ट का नाम नहीं लूंगा, तो वो रेफर नहीं किया था, उसने रेफर नहीं किया था। एक सिंपल बात है कि अगर कोई आर्टिस्ट जो खुद एक शो पे आए थे, क्या वो किसी और को आने के लिए बोले कि इतना तो नहीं हो सकता। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एलविस, वो खुद से खुद का ही वो आया नाम, कोई और चाह रहा है कुछ अलग करने के लिए, बट आ रहे बहुत सारे नाम आ रहे, प्यार इतने सारे आ रहे ना गालियों में कुछ अलग टीम से। गाली खा रहे हो क्या आप? गाली खा रहे भाई, गाली नहीं खाने चाहिए, अपने बड़े भाई हैं, पूरी जितनी मेरी एलविस आर्मी देख रही है भाई को गाली नहीं पड़नी चाहिए। देखो आज तुम कुछ भी करो ठीक है, ये अपनी वो वाली बात होगी, अभी तो जा रहा हूँ वापस में होटल। तो फिलहाल गाइस आप लोग यहाँ पर एलविस यादव को लेकर और भी क्या कुछ कहना चाहोगे आप लोग हमें इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए गाइस आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।